तो एक अच्छा YouTube आउटरो ना हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें तीन फायदे होते हैं सबसे बड़े। सबसे पहला फायदा, जिस वीडियो में आपके आउटरो हो गए एक अच्छा और जिसने उस वीडियो को एंड तक देखा, हो सकता है वो आपकी उससे दूसरी वीडियो भी देखे जब उसको रेकमेंड हो। दूसरी चीज क्या होगा फायदा आपको, आपको सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा गेन होंगे जो आपकी वीडियो एंड तक देखेगा, जो आपकी वीडियो पर एंड तक रहेगा, मतलब आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है डेफिनेटली, लेकिन उसको सब्सक्राइब करने का एक और तरीका मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन तो है ही, ऊपर भी आ जाएगा वीडियो में, एक गोल आता है राउंड सा, एक सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा जो उसको शो होगा वीडियो के एंड में, जिससे वो चैनल को उसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको फायदा मिलेगा। तीसरी चीज, आप अपना दूसरा चैनल भी प्रमोट कर सकते हो, किसी और चैनल को भी ऐड कर सकते हो अपने आउटरो के टाइम पर, एंड स्क्रीन भी बोल सकते हैं इसको, आउटरो एंड स्क्रीन, उस टाइम पर अगर आप दूसरा चैनल प्रमोट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर चाहते हो अपनी वेबसाइट भी कर सकते हो। ये कुछ फायदे हैं आउटरो होने की या फिर एंड स्क्रीन होने की। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है, मैं इसको स्टार्टिंग से यूज़ करता हूँ और मुझको इससे बहुत फायदे मिले हैं। फायदे की अगर बात करें, अगर यहाँ पर बात करें मेरी लास्ट वीडियो की, मतलब कुछ टाइम पहले जो मैंने वीडियो डाली थी फ्री गूगल एड्स कोर्स के बारे में, उसमें मैंने एंड स्क्रीन ऐड करी थी और लास्ट के टाइम पर 1.9% लोगों ने जो एंड स्क्रीन से क्लिक आए, 1.9% लोगों ने जितने भी व्यूज है उसमें से 1.9% लोगों ने क्लिक करके या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराया या फिर मेरी दूसरी वीडियो पर क्लिक किया है। और ये कितने लोगों के टोटल 80,000 प्लस व्यूज है करंटली इस वीडियो पर, और जितने भी लोगों ने 1600 प्लस यूजर ने क्लिक करके दूसरी वीडियो वॉच करी या तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कराया। अगर हर वीडियो में आप ये चीज़ करते हो, हर वीडियो में आउटरो ऐड करते हो, हर वीडियो में एंड स्क्रीन ऐड करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलने वाला है ओवरऑल। तो आपको ये चीज़ कैसे करनी है, सिर्फ आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आपको एक एंड स्क्रीन बनानी है या फिर बोल सकते हैं एक आउटरो बनाना है या फिर टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कैसे करना है ये चीज। दूसरी चीज, आपको एंड स्क्रीन ऐड करनी है अपनी यूट्यूब वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक भी कर देना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वैसे अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे यूट्यूब आउटरो टेम्पलेट, तो वैसे ही आपको काफी सारे टेम्पलेट नजर आ जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर आप लोग थोड़ा कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं इसमें बताने वाला हूं कैसे आप लोग टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसमें चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम लोग न्यू टैब खोलते हैं। न्यू टैब खोलने के बाद मैं जाता हूँ invideo.io, ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो। अब जैसे हम लोग यहाँ पर होम पेज पर आ चुके हैं, होम पेज आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पर आ रहा है सर्च बार, आ रहा है सर्च बार पर मैं क्लिक करूंगा YouTube आउटरो या फिर एंड स्क्रीन कर सकते हैं, मैं YouTube आउटरो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 25 टेम्पलेट्स हैं अभी फिलहाल मेरे सामने, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस टाइप का टेम्पलेट बनाना चाहते हो, किस चैनल के बनाना चाहते हो। यहाँ पर बात करें फैशन यूट्यूब आउटरो, गेमिंग यूट्यूब आउटरो, म्यूजिक यूट्यूब आउटरो, फूड यूट्यूब आउटरो, टेक यूट्यूब आउटरो, डिफरेंट टाइप के आपको आउटरो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर से एक चूज कर लेता हूँ, गेमिंग चूज करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, अब ये साइलेंट हो जा। अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, सबसे पहला वाइट 16:9, अगर आप यूट्यूब पर यूज़ करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके यूज़ दिस टेम्पलेट करो। दूसरा स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर किस लिए है, जहाँ पर आप स्क्वायर यूज़ करना चाहते हो, स्क्वायर टाइप का पोस्ट करना चाहते हो, स्क्वायर टाइप की वीडियो, वहाँ पर स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। वर्टिकल किसके लिए, वर्टिकल हमारा अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर रील्स ये सब करना चाहते हो तो उस पर कर सकते हो। हम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो यूज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा वाइट को सेलेक्ट करके। थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद कुछ ऐसे टाइप की स्क्रीन हमारे सामने आएगी जहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, गेम प्ले रिक्स मॉड्स, इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा अक्ष वर्मा और उसके नीचे गेमिंग। अब यहाँ पर मैंने अक्ष वर्मा गेमिंग लिखा है, लेकिन आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और अगर आप अपना लोगो अपलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करके अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना कंप्यूटर में जहाँ पर आपके। और अब इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कैसा है, ये भी देखें जरा। तो ये इंट्रो मुझे, ये आउटरो मुझे गेमिंग चैनल के लिए परफेक्ट लगा है। अगर मेरा गेमिंग चैनल होता थोड़ा माइनक्राफ्ट जैसे गेम खेलता मैं, तो जरूर इस टाइप का इंट्रो जरूर यूज करता, आउटरो, बार बार इंट्रो बोल रहा हूँ, आउटरो जरूर यूज करता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इस आउटरो में सबसे पहले आ रहा है हमारा यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें आ रही है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ कलर चेंज करके देखते हैं, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, सिंपल सा है, ठीक है। इसको मैं रेड करके देखता हूँ एक बार, रेड शायद चल सकता है, येलो ठीक है मेरे हिसाब से, मुझे तो सही लगता है येलो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो चूज। तो सिंपल सा है, ये तो ऐसे सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं थे। हम दूसरा वाला टेम्पलेट चूज करते हैं और उसमें थोड़ी चीजें चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं इस वाले टेम्पलेट को पिक करता हूँ, यूज दिस टेम्पलेट, अभी आपको डाउनलोड कैसे करना है टेम्पलेट ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इस टेम्पलेट को प्ले करके देखते हैं एक बार, मतलब ये ऐसा आउटरो है जो यूज करा जा सकता है, थोड़ा
अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के चैनल में, अलग अलग टाइप के चैनल में यूज हो सकते हैं। सबसे पहले चीज में क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। इसमें ग्रेडियंट है बैकग्राउंड, तो इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, फिल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, फिल में मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। मुझे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा पसंद है, काफ़ी नीचे ब्लैक हो चुका है और यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट ब्लैक हो चुका है नीचे का राइट साइड ये पूरा। और दूसरा जो ग्रेडियंट का कलर है इसको करते हैं वाइट, ब्लैक एंड वाइट मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, अब जरा इसको प्ले करके देखते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अब थोड़े से चेंजेस की और जरूरत है। जो मुझे कलर अच्छे लग रहे हैं वो लग रहा है ये अंदर का जो कलर है पर्पल टाइप, शायद ब्लू टाइप जो कलर है उसको थोड़ा चेंज करते हैं अंदर का कलर। इसमें फिल्म में क्लिक करूंगा मैं, फिल्म में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो टाइप के कलर है क्योंकि यहाँ पे येलो भी है और ये पर्पल कलर भी है। अंदर का ग्रे करते हैं, इसको करते हैं वाइट, बाहर के बॉर्डर को वाइट कर देते हैं और इसको करते हैं ग्रे। ठीक है, अब और ये जो बॉर्डर है हमारा ये तो हमारा वाइट है, नहीं ब्लैक बॉर्डर भी मेरे अच्छा लगे, ब्लैक बॉर्डर ज़्यादा पसंद आ रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। अब यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर आकर हम काफ़ी सारी चीज़ें और आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर आ रहा है वॉच दिस नेक्स्ट, इस पॉइंट पर आ रहा है यहाँ पर ऊपर वॉच दिस नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा आगे करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये अभी है, जैसे हमने यहाँ पर प्ले करा, मैं इसको वो करता हूँ, वॉल्यूम पूरी कम करता हूँ, ये हमने प्ले करा, मैं नहीं चाहता ये इस टाइम पर आए, थोड़ा सा लेट है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, मैं इसको सिंपल सा ऐसे करूँगा और कुछ टाइम पॉइंट बाद ऐसे प्ले कर दूँगा और अब आएगा वॉच दिस नेक्स्ट। और मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को रिमूव करना है यहाँ से, तो सिंपल सा यहाँ पे ऊपर गया डिलीट, इनको हटाएं, डिलीट, इसको भी हटाओ, डिलीट। यहाँ पर कौन है, डैनियल, हमें अपना नाम चाहिए, AKSH वर्मा, आप अपना नाम रखना। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टेम्पलेट जिसको हमने अभी कुछ मिनटों के अंदर बनाया। आप सिंपल से इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर टॉप में डाउनलोड का बटन, डाउनलोड एंड शेयर, इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पर टॉप जो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन है वो है 1080p, 4K नहीं मिलता है आपको, ये एक कमी है, लेकिन 1080p ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी होगा। इसको डाउनलोड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के बटन, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे YouTube आउटर एक्सपोर्ट हो चुका है, सिंपल से मुझे डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और फिर इसको मैं इसको कहीं पर सेव कर सकता हूँ, ऐसे मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा तरीका YouTube आउटरो YouTube एंड स्क्रीन बनाने का। अगर आप लोग अपनी एंड स्क्रीन बना सकते हो तो इस तरीके के थ्रू बना सकते हो, चाहते हो बनाना। और मैं एक चीज़ बोलूँगा सिर्फ कि YouTube एंड स्क्रीन अच्छे से दिमाग से बनाओ कि कौन से कलर आपको चूज़ करने, कौन सा फॉन्ट आपको चूज़ करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज़ आप लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले हो, अच्छी होगी तो आपको कन्वर्जन भी अच्छा मिलेगा, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड तक आके, और दूसरी चीज़ दूसरी वीडियो पर भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे आपको। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए टाटा।